हेलो एवरीवन, मैं हूँ दाऊद और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। सो हाय फ्रेंड, दिस इज़ दाऊद एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल डॉन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो कीपैड है उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक न्यू लुक दे सकते हैं, बैकग्राउंड पे किस तरह से अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर का भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड में ही ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पे ये कीपैड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये किस तरह से चेंज होता है ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। और फ्रेंड, अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग पे जाना है और लैंग्वेज एंड इनपुट पर क्लिक करना है। इस पे आने के बाद गूगल कीपैड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो थीम का ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर सारा थीम शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से कुछ भी थीम लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि आप अपना फोटो किस तरह लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है और फाइल से कोई भी फोटो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि बैकग्राउंड पे ये फ़ोटो दिखा देगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस भी बढ़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और यहाँ से डन पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कीपैड का सेटअप हो गया है। ठीक है, तो देखिए मेरा कीपैड अभी मॉडिफाई हो चुका है। अब आपको मैं टाइप करके दिखाता हूँ, जो मैं फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आप मेरा वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।